मैं समझता हूं कि आपके मन में जरूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है, जनवरी और फरवरी, जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा, हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है और CBSE ने वैसे भी इन परिस्थितियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया है और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। CBSE बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नजर रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे, मस्ती के साथ परीक्षा को देंगे। और जो विदेशी, क्योंकि देश से हट करके दुनिया के लगभग 25-26 देशों में जो CBSE के स्कूल चल रहे हैं, दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले छात्र छात्राएं भी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके बिहार समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 2020 बहुत योद्धा की तरह आपने इस 2020 को आप विदाई दे रहे हैं और मैं नए वर्ष की जो पूर्व संध्या पर मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं और नई तिथियों की घोषणा की, आने वाले साल में हम इन तिथियों का भी स्वागत करना चाहते हैं जब मेरे आप सभी छात्र छात्राएं बहुत मनोयोग के साथ बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं को देंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापक गण को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आपको शुभ